आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। समांथा की फिल्म यशोदा दुनिया भर से जबरदस्त कमाई कर रही है। तेलुगु भाषा की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 22 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस कर लिया है, जो कि कई बिग बजट तेलुगु फिल्मों से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। इस कमाई की वजह समांथा का स्टार पावर माना जा रहा है। यशोदा को ठीक ठाक बजट पर बनाया गया। प्रमोशनल कॉस्ट मिलाकर फिल्म की लागत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है, मगर फिल्म को कायदे से प्रमोट नहीं किया जा सका क्योंकि समांथा बीमार चल रही हैं। उन्हें मायोसाइटिस नाम की बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। इसी वजह से यशोदा की रिलीज से पहले उन्होंने इक्का दुक्का इंटरव्यूज दिए। बावजूद इसके फिल्म टिकट खिड़की पर बढ़िया कलेक्शन कर रही है। यशोदा को 3.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली थी। शुरुआती 4 दिनों में इस फिल्म ने दुनिया भर से 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। इसमें देसी टिकट खिड़की से 18 से 19 करोड़ रुपए आए, जबकि विदेशी बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई की है। यशोदा अमेरिका में उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म ने वहां से 3 करोड़ 23 लाख रुपए बना लिए हैं, जो कि एक रीजनल महिला केंद्रित फिल्म के लिहाज से बड़ा आंकड़ा है। यशोदा को वर्ल्ड वाइड 1400 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। इसमें से 1000 स्क्रीन्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के थे। यशोदा में समांथा के साथ उन्नी मुकुंदन, वारालक्ष्मी, शरत कुमार और मुरली शर्मा जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। इस फिल्म को हरी हरीश ने डायरेक्ट किया है। इसकी कहानी प्रेगनेंसी स्कैम से जुड़ी हुई है। एक संस्थान है जो कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाली महिलाओं को सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब यशोदा को इस बारे में पता चलता है तो वो मामले की तह तक जाकर इस चीज को खत्म करने की कोशिश करती है। यूटर्न और ओ बेबी के बाद यशोदा लीड रोल में समांथा की तीसरी हिट फिल्म है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं अर्षदा, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम ललन टॉप हस्तियां आ रही ललन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम ललन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी ललन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।